सिनेमा समाज का आईना होती है। जो भी चीजें समाज में चल रही होती हैं, सिनेमा उसे ही दर्शाता है। हालांकि अभी बीच में सिनेमा ऐसा हो गया था जहां पर दर्शकों को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे भद्दे जोक्स और साथ ही साथ फूहड़ कॉमेडी दी जाती थी, लेकिन अब सिनेमा धीरे धीरे रिफॉर्म हो रहा है। 70 के दशक का सिनेमा फिर से वापस आ रहा है, गोविंद निहलानी जी और श्याम बेनेगल जी का सिनेमा फिर से वापस आ रहा है। और उस चीज का, उस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों, नो फादर्स इन कश्मीर को सेंसर बोर्ड के द्वारा पास कर देना और फाइनली फिल्म का रिलीज हो जाना। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बात करता हूं मैं नो फादर्स इन कश्मीर के बारे में। देखिए, जब आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा होगा आपको बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग लगा होगा। हालांकि इसमें एंटरटेनमेंट क्वेश्चन अगर आप ढूंढ रहे होंगे तो आपको डल लगा होगा, बट अगर आप मैसेज के बेसिस पे जाएंगे, अगर आप एक तलाश के बेसिस पे जाएंगे तो ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देगी। अश्विन कुमार, द ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर, इस फिल्म में बकायदा उन्होंने एक्टिंग भी की है, एक ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं जिसके बारे में आधी से ज़्यादा इंडिया को नहीं पता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हैदर फिल्म देखी है विशाल भारद्वाज की, तो उसमें आपको एक वर्ड का इंट्रोडक्शन मिला था, डिसअपीयर्ड। ज्यादातर कश्मीर में ये समस्या है, एक मुद्दा है, बेसिक मुद्दा है जो कि मैं आपके सामने खुल के रखना चाहता हूँ। कश्मीर में जो कश्मीरी है वहां पर वो डिसअपीयर्ड हो जाते हैं। उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता ये नहीं पता है। क्या वो आतंकवादी होते हैं या नहीं होते, क्या वो जिहादी होते हैं या नहीं होते, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। लेकिन 10,000 से भी ऊपर कश्मीरी महिलाएं या तो हाफ मैरिड हैं या फिर हाफ वो विडो। ये बड़ा ही अजीब सा मामला है, इसके बारे में आप जितना पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। फिल्म के अंदर इसी मुद्दे को बताया गया है। ये नहीं बताया गया कि आप इस तरीके से सोचें या ये पर्टिकुलर ट्रैक लें, लेकिन फिल्म के अंदर दोस्तों पूरी बातों को आपके सामने खोल के बस प्रेजेंट किया है। अब चुनना आपको है। जहां देश में एक तरफ दोस्तों सर्जिकल स्ट्राइक पर इतनी बेहतरीन फिल्में आ रही हैं, देश की महिमा के गुणगान के लिए इतनी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही है, वहीं एक तरफ इस तरीके की भी फिल्में हैं। नोटबुक फिल्म के अंदर एक डायलॉग था जिसे मैं इस फिल्म में भी यूज करना चाहता हूं कि अंधेरे से अंधेरे को नहीं काटा जा सकता, अंधेरे को अगर काटा जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उजाले की वजह से काटा जा सकता है। फिल्म में अगर आप एक मैसेज की बात करेंगे तो आपको क्लियर तरीके से मैसेज समझ में आ जाएगा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं डायरेक्टर। फिल्म की कहानी आपको बताना चाहूंगा, एक 16 साल की लड़की है जिसका नाम है नूर, जो कि लंदन में रहती है बट इंडिया आती है और जाती है कश्मीर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। यहाँ पर उसको अपने पापा के बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता चलती हैं। उसके पापा को डिसअपीयर्ड कर दिया जाता है, उसके पापा की कब्र कहाँ होती है, वो सारी तहकीकात करती है और लास्ट में एक एंड रिजल्ट पे पहुँचती है और उसके बाद वो वापस चली जाती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक कहानी है दोस्तों। सो अगर आप मैसेज फिल्में देखना पसंद करते हैं, अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मसाला फिल्में ही नहीं पसंद है तो आपके लिए फिल्म देखना लाजमी है। फिल्म में बेहतरीन काम किया है अदाकार ने दोस्तों। अगर मैं बात करूं, चाहे वो ज़ारा वेब ले लीजिए जो कि 16 साल की लड़की बनी है, सोनी राजदान जी ले लीजिए, अश्विन कुमार जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं वो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं, उनका काम ले लीजिए, या फिर कुलभूषण खरबंदा ले लीजिए या फिर अंशुमन झा ले लीजिए। हर किसी ने अपने कैरेक्टर को जिया है, उस पेन को, उस दर्द को हमारे सामने स्क्रीन पर उभार के लाए हैं। हालांकि मैं सिनेमेटोग्राफी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं क्योंकि कश्मीर का मामला था और यहां पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट भी लाजमी है, बट कोई ना कोई, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप मतलब मोबाइल से ज्यादा फुटेज लिए गए क्योंकि लड़की अपने मोबाइल से दुनिया को कैप्चर कर रही है, कश्मीर जा रही है, वो चीजों को मोबाइल से शो कर रही है। सो क्या है कि उसमें थोड़ा सा डिजीनेस सा है, थोड़ा सा वो हिल रहा है, शेकी इफेक्ट है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट जो हो रहा होता है फिल्म की स्टोरी में, वो ध्यान भटक जाता है। फिल्म की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये जो मीडियम ऑडियंस होती हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक हर्डल बनकर आएगी इस फिल्म की लैंग्वेज, जो कि 80% जो है इंग्लिश में बोली गई है, वहीं 10% इसमें हिंदी का इस्तेमाल किया गया है और 10% इसमें कश्मीरी का इस्तेमाल किया गया है। सो जो एक लेमैन की फिल्म होती है कहीं ना कहीं ये नहीं हो सकती है। बट अगर आप वो मुद्दा जानना चाहते हैं, डिसअपीयर्ड जो वर्ड आया था सामने उसके बारे में आप और भी क्यूरियोसिटी रखते हैं, तो आप इस फिल्म को देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, आज वहां की जिंदगी क्या है। बात करूं अगर दोस्तों मैं सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स ऐसा कुछ खास नहीं है, एक दो कश्मीरी सॉन्ग्स हैं फिल्म के अंदर और फिल्म का क्लाइमेक्स आपकी आत्मा को निचोड़ के रख देगा।
टोटल मिला के अगर आप मुझसे पूछेंगे कि फिल्म को आप कितने स्टार देंगे, तो मैं 3 स्टार देना चाहूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ द फिल्म. फिल्म देखिए, आपको तर्क वितर्क जो सारी चीज़ें चल रही हैं देश में उनके बारे में समझ में आ जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीति को भुनाने के लिए रखा गया है और कुछ नहीं है. कमेंट सेक्शन आपका है. अगर आप फिल्म देख रहे होंगे तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी. और बाय द वे, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज इसी तरीके के निष्पक्ष होकर रिव्यूज लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल में. टेक केयर.